ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बहराइच से है, जहां मंचलों की छेड़छाड़ से परेशान एक बेटी ने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, इन शहदों से परेशान बेटी का कहना है कि इन शहदों ने उसका घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। बेबसी से आसमां की तरफ देखती इन आंखों में एक सपना है, पढ़ने का और आगे बढ़ने का। लेकिन इन आंखों से बहते आंसू तरबतर कर रहे हैं उन सपनों को, जिनमें आसमां को छूने के लिए उड़ान की ललक है। उड़ान के इन पंखों पर नजर लग गई है उन शहदों की, जिनके सामने सरकार का एंटी रोमियो दस्ता भी फेल है। ये बेटी पढ़ना भी चाहती है और बढ़ना भी, लेकिन मंचलों की छेड़छाड़ ने इसका रास्ता रोक दिया है। ये घर में रहने को मजबूर है, लिहाजा कॉलेज ही जाना छोड़ दिया। थाने में एसपी के सामने रोती बलखती ये माँ बेटी एक सवाल है सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान पर, एक सवाल है सूबे में महिलाओं को सुरक्षा देने के दावों पर, सवाल है सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड सिस्टम पर। लेकिन नहीं, इन बेटी को सरकारी दावों और आंकड़ों से मतलब नहीं, इस बेटी को मतलब है अपनी सुरक्षा से। हमारे बेटे के साथ में छेड़ते हैं, गाली बकते हैं, उल्टा सीधा बातें कहते हैं। जब दुकान जाती है तो कहता है कि नहीं सही है, वे देख 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 यही किया करते हैं। घर पे जाते हैं तो घर पे अकेली लड़की रहती है, ढीलाबाजी करते हैं, छेड़ते हैं, उल्टा सीधा पल्ला फिरते हैं। एसपी ऑफिस पहुंचकर माँ बेटी ने अपनी आपबीती बताई तो एसपी ने माँ बेटी को सुरक्षा के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। पेश होकर के उसने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि उसे मोहल्ले के कुछ लड़के स्कूल आते जाते समय छेड़ते हैं, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पा रही है, परीक्षा देने में अवरुद्ध हो रहा है। उसके इस तरीके के आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है और दोषी लोगों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। मंचलों की हरकतों से परेशान होकर किसी बेटी का पढ़ाई छोड़ देने की घटना तमाम ऐसे सवाल खड़े करती है जिसका जवाब शायद ही कोई जिम्मेदार देना चाहेगा। बहराइच से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।